invested a sum of rupees 12,000 at 5% per annum compound interest. She received an amount of rupees 13,230. 230? 30. 30. After n years. After n years. Time n years. N. ठीक है. ये amount है, ये principal है. एक बार amount of principal का rate 5% है. देख लेते हैं एक बार amount of principal का ratio. 1,3,2,3,0 upon 1,2,0,0. इसको मैं लिख दूँ 1,3,2,3 upon 1,200. 300. ठीक है. देखना. 300. ये क्या लिखा है? 400 into 3 लिखा है. ये देखना 441 into 3 लिखा है. 440. तो ये रेशियो क्या आ गया? 441 by 400. हमसे पूछा क्या था? Then time is. तो टाइम क्लियरली कितना आ गया? 2 साल. देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स. क्यों? ये रेशियो यही वाला है ना, 441 बाय, ये रेशियो यही वाला है ना, देखो 441 वाला. तो टाइम क्या हो गया? 2 ईयर्स.